नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम। मेरा नाम जोगीराज सिकेदार और आज के मल्हार की इस डिजिटल बैठक पे आपका स्वागत है। आज की जो महफिल है वो मेहदी हसन साहब के नाम पर है, उन पे समर्पित है। तो आगे बढ़ने से पहले आज के फनकारों से आपको तारीफ करा देते हैं। तबले पे है अरिंदम चक्रवर्ती जी, कीबोर्ड पे अभिजीत, गायन पे मंजीत सिंह, शुभजीत और सुचंद्रा मंडल, साउंड दीपश्री गाडगिल। और आज के साउंड कैसे अब तक अच्छा पहुंचाया जाए इसके लिए जिन्होंने पूरी हमें मदद की है और टेक्निकल सपोर्ट दिया है वो है जोश। कैमरा पे है गंधाली, टेक्निकल सपोर्ट पे रहे हैं गिफ्टी सहानी साहब जिन्होंने पूरी ये कैसे डिजिटली इन चीज़ को आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में हमें मदद किए है। प्रोडक्शन इंचार्ज अगिश्मा और समीक्षा, प्रोडक्शन सपोर्ट कालीदास। हम शुक्रगुजार है कृति शाह और चैताली सरकार जी का जिन्होंने हर वक्त पे हमें ये जो महफिलें हैं उसको आगे सक्सेसफुल करने के लिए हमें मदद करते रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम के जो बागडोर जिनके हाथ पे मैं थमाना चाहूँगा, नान अदर देन तरन्नुम साहिबा, आपने आगे भी पहले भी उनको देखा है मल्हार की बैठकों में। तरन्नुम जी के बारे में क्या बोले, एक बहुत जानी मानी हस्ती है यूएई के और इस तरह के जो खास क्यूरेटेड प्रोग्राम हैं जब भी इसके बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले नाम जो दिमाग में आते हैं उनके बारे में। सो ओवर टू तरन्नुम जी। बहुत शुक्रिया जोगी जी आपका, और मुझे बहुत खुशी होती है हर मर्तबा जब मैं मल्हार आती हूँ और इस तरह की महफिलों का हिस्सा बनती हूँ, तो मेरे लिए सच जानिए बहुत फख्र की बात होती है। तो जोगी जी जैसा कह चुके हैं कि आज की जो हमारी महफिल है वो हम समर्पित कर रहे हैं शहनशाह गज़ल सुरों का सरताज और जाने कितने ही ऐसे खिताबों से जिस शख्स को नवाजा जा चुका है, जनाब मेहदी हसन साहब को। तो उनकी महफिल का आगाज़ मैं इस शेर के साथ करना चाहूँगी कि सुरों में शाम सजी है कई दिनों के बाद, सुरों में शाम सजी है कई दिनों के बाद, गज़ल को राह मिली है कई दिनों के बाद। शुक्रिया। तो मेहदी हसन साहब को हम सब जानते हैं बतौर गुलूकार, तो यहाँ हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी पैदाइश के बारे में, उनके खानवादे के बारे में। मेहदी हसन साहब की पैदाइश हुई थी राजस्थान में, जयपुर के पास एक गांव है झुंझुनू, वहाँ 1927 में। और ये एक कलावंत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इनके वालिद साहब जो थे वो उस्ताद अजीम खान साहब और इनके चचा उस्ताद इस्माइल खान साहब सब आला दर्जे के फ़नकार हुआ करते थे। और ये खान इनके नाम के साथ ऐसे जुड़ा, इन्होंने खुद ही अपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि हम वो पश्तों वाले पठान वाले खान नहीं हैं, हम वो खां हैं जो कि जो गायकी में या संगीत में उस्तादी जब हासिल कर लेते हैं तो उन्हें खिताब राजे महाराजे दिया करते थे। तो ये मेहदी हसन खां साहब हैं। तो राजस्थान की क्योंकि बात हो रही है जहाँ से बुनियादी ताल्लुक़ है मेहदी हसन साहब का, तो जोगी जी क्यों ना हम आगाज़ आज की इस महफिल का एक कुछ उसी टच से करें जो उनके जो वतन है, आबाई वतन मेहदी हसन साहब का, वहाँ का फ्लेवर हो। और इसको पेश करेंगी एक नई टैलेंट जो कि मल्हार का हमेशा कोशिश रहती है कि किसी ना किसी नए टैलेंट को सामने पेश किया जाए, तो श्रेयांका। तो आप पहले श्रेयांका के बारे में कुछ बताएं, फिर मैं उन्हें दावत देती हूँ। जी तरन्नुम जी, तो श्रेयांका के बारे में ऐसे क्या बोलूँ, कुछ मेरे ख्याल से 5-6 साल की उम्र थी उसकी, अभी कुछ 13 साल की है वो, तो कुछ 8-9 साल पहले आई थी मेरे पास सीखने के लिए, छोटी सी बच्ची थी, अभी भी बच्ची है खैर। तो बहुत मीठा गाती है और बहुत लगन से सीखती है और मल्हार के हुनहार बच्चों में से एक वो हैं। और इनका सबसे बड़ा श्रेय जो मैं उनके पेरेंट्स को दूंगा कि हर जगह पे लेके जाना और जितने बजे बोलते हैं कि इतने बजे आज रिहर्सल कराना है, एक स्पेशल क्लास लेना है, तो पहुंच जाते हैं। तो आज के महफिल की शुरुआत मैं श्रेयांका से दरख्वास्त करूंगा कि प्यारे प्यारा
साथ साथ उसके जो पेरेंट्स हैं उनका सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के एनकरेजमेंट के लिए उस्ताद के अलावा। तो श्रियांका के पेरेंट्स को हमारी तरफ से बहुत शुक्रिया, और आप ये जारी रखिए इनकी ट्रेनिंग ताकि ये आगे भी बहुत खूबसूरत आवाज़ से हमारी और महफिलें सजाती रहें। वैसे आप लोग ज़्यादातर जानते होंगे कि ये जो गाया गया था, जो अभी श्रियांका ने पेश किया केसरिया बालम, वो सबसे पहली बार जयपुर के रॉयल फोर्ट में अल्ला जिला बाई ने गाया था। उसके बाद बहुत लोगों ने इसको गाया अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मकबूल हुई है कॉम्पोजिशन वो मेहदी हसन साहब वाली हुई है। तो हम उन्हें कहते हैं गज़ल का सरताज, लेकिन अगर देखा जाए उन्होंने क्या नहीं गाया, कोई भी फॉर्म ऑफ सिंगिंग अछूता नहीं रहा उनसे। लेकिन क्योंकि गज़ल का सरताज कहा जाता है तो चलिए रुख अपना करते हैं गज़ल की तरफ। सभी लोग जानते हैं कि गज़ल जो है वो उर्दू अदब की या लिटरेचर की जो है सबसे पॉपुलर एक फॉर्म या सिंफ है। तो जब हम गज़ल का जिक्र करते हैं सबसे पहले मेहदी हसन का साहब उनका नाम जो है बेसाख्ता आ जाता है कि गज़ल यानी मेहदी हसन। तो गज़ल किस तरह लिखी जाती है और फिर किस तरह उसे पेश किया जाता है, लिखने में देखिए क्या कहते हैं एक शायर कि यूं ही लफ्ज़ों में हरारत नहीं आती अफजल, अफजल अलाबादी साहब हैं, यूं ही लफ्ज़ों में हरारत नहीं आती अफजल, जब कलम खून में डूबे तो गज़ल होती है। तो और मेरे ख्याल से उसी तरह से जो संगीतकार या मौसीकार हैं वो भी खून पसीने की मेहनत करके उस मकाम तक पहुंचते हैं जिस पे मेहदी हसन साहब थे। तो जैसा हम सब जानते हैं कि मेहदी हसन साहब की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो 18 जुलाई को मनाई जाती है। हम सब यहाँ आज 10 जुलाई को उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसे जोगी जी ने अभी कुछ देर पहले फरमाया कि हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं आज की ये मलार बैठक के जरिए उस्तादों के उस्ताद मेहदी हसन साहब को। तो जो उनकी पहचान है वो गज़ल गायकी है, या वो गज़ल गायकी की पहचान है ये कोई तय नहीं कर पाया आज तक। तो हम बढ़ते हैं इस महफिल की पहली गज़ल लेके आपके सामने हाजिर होते हैं शुभजीत के साथ, जो बहुत खूबसूरत कलाम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत संगीतबद्ध किया हुआ आप तक पहुँचाएंगे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, शुभजीत नवाजी। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। चारा गरीब मरीज की, चारा गरीब मरीज की, रस में शहर खुशन नहीं, रस में शहर खुशन नहीं, वरना वरनाद वरनादा भी इस दर्द का चारा जाने हैं,
दर्द का चारा जाने है बूटा बूटा जाने है जाने ना जाने खुद ही ना जाने जाने ना जाने खुद ही ना जाने बाग तो सारा जाने इशारा जाने है रमज इशारा जाने है जाने ना जाने गुल ही ना जाने जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने पत्ता पत्ता बूटा बूटा दर्द का सारा जाने है पत्ता पत्ता बूटा बूटा पत्ता पत्ता बूटा बूटा पत्ता पत्ता बहुत ही खूब क्या मतलब आगाज क्या हुआ जोगी जी इससे अच्छा जो है गजल की शाम का आगाज हो नहीं सकता था बहुत शुक्रिया शुभजीत आपका एक और शेर आप सबकी खिदमत में पेश है कि सबको आता नहीं दुनिया को सजाकर जीना सबको आता नहीं दुनिया को सजाकर जीना जिंदगी क्या है मोहब्बत की जुबान से सुनिए और गायकी क्या है वो आप तभी समझ सकते हैं जब आप मेहदी हसन साहब को सुन रहे हो वरना तो सबके समझ के पार की चीज़ है ये तो हम अब आगे बढ़ेंगे अगले कलाम की तरफ उससे पहले मैं बता दूं कि मेहदी हसन साहब ने सिर्फ गज़लें या ठुमरी या क्लासिकल नहीं गाया उन्होंने फिल्मों के लिए भी बहुत गाया है और कई अवार्ड्स भी उन्हें मिले हैं जैसे हिंदुस्तान में फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं उसी तरह से पाकिस्तान में फनकारों को निगार अवार्ड दिया जाता है प्लेबैक सिंगिंग के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के मुख्तलिफ फील्ड्स के लिए तो मेहदी हसन साहब को 9 मरतबा निगार अवार्ड से नवाजा जा चुका है और जहाँ तक मुझे इल्म है तो ये उनको लगातार कंसेक्यूटिव 9 साल ये अवार्ड दिया गया था प्लेबैक सिंगिंग की कैटेगरी में जो आज तक अनबीटन रिकॉर्ड है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ सदियों तक ये रिकॉर्ड कहीं दुनिया का कोई प्लेबैक सिंगर तोड़ सकता हो बहरहाल उन्होंने अहमद फराज परवीन शाकिर फरहत शहजाद किसका कलाम नहीं गाया चाहे बड़े से बड़े क्लासिक पोइट्स हों उस्ताद गालिब मीर दाग या फिर अब जो कंटेम्प्रेरी पोइट्स थे उनके ज़माने में उनका कलाम उनको सिर्फ शायरी बस टच करनी चाहिए थी और वो उठा के उसको कंपोज करते थे हम बढ़ते हैं अगली गज़ल की तरफ जो फिर बहुत खूबसूरत कलाम है बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है और ये राग आहिरी पर है और इसको लिखा था फयाज़ हाशमी साहब ने अब बहुत सुना हुआ नाम नहीं है लेकिन जब ये गज़ल लोगों ने मेहदी हसन साहब की आवाज़ में सुनी तो फिर ढूंढा कि ये शायर कौन है तो पता चला कि फयाज़ हाशमी
तो मेहदी हसन साहब ने पता नहीं ऐसे कितने लोगों को दुनिया भर में मकबूल कर दिया, जिनका के वरना तो शनाख्त कभी भी दुनिया को ना मिलती। तो हम सुनते हैं ये गज़ल, हमें कोई गम नहीं था, सुचंद्रा जी की आवाज़ में बहुत मीठा गाती हैं। आप लोग खुद अभी उनको सुन चुके हैं कई मरतबा पिछली 3-4 मलार बैठकों में, आज हम उनसे गज़ल सुनते हैं सुचंद्रा जी। अरे चांद
छुप जाऊं, कभी प्यार था हमें भी, कभी प्यार था हमें भी, कभी प्यार था हमें भी, तेरी चांदनी से पहले कभी प्यार था हमें भी, तेरी चांदनी से पहले ना थी दुश्मनी किसी से, ना थी दुश्मनी किसी से, तेरी दोस्ती से पहले हमें कोई गम नहीं था, हमें कोई गम नहीं था, हमें कोई गम नहीं था, हमें आशिकी से पहले हमें कोई गम नहीं था, हमें आशिकी से पहले, हमें आशिकी से पहले तो आप सबने सुनी कितनी खूबसूरत माशाल्लाह ये आवाज़ है। तो ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आप ये देखिए कि एक उस्ताद गुलकार के बारे में एक दूसरा उस्ताद अगर ये कह दे कि इससे ज़्यादा सुरीली आवाज़, सदी हुई आवाज़ दुनिया में आई नहीं, तो उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। ये जुमला उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने कहा था मेहदी हसन साहब के बारे में कि दुनिया में इतनी सुरीली आवाज़ ना मेहदी हसन से पहले आई है ना उनके बाद आएगी। आप मतलब हमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि इस बात से डिसएग्री करे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे क्या है कि कुछ कलाकार होते हैं जो कलाकारों के कलाकार होते हैं। वाकई। सो जितने प्रोफेशनल सिंगर या गायक या आगे भी होंगे वो सब मेहदी हसन साहब से सुनते हैं और उनको सुन के सीखते हैं, तो वो उस्तादों के उस्ताद हैं। वाकई बिलाशुबा उस्तादों के उस्ताद हैं। और मतलब उनका रुखसत हो जाना एक बड़ा अजीब सा वैक्यूम क्रिएट हो गया उस इंडस्ट्री में, लेकिन आप ये देखें कि उनके बाद उनसे सीख के कितने लोग आए हैं और आज तक उनकी उस धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम भी सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं अपनी प्लेलिस्ट पे जाऊं या हम फरमाइशें देखें? फरमाइशें क्योंकि ज़रूर आ रही हैं हमारे पास। आए तो बहुत अच्छे अच्छे कुछ गज़लें आई हैं, तो एक जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, मेरा बहुत पसंदीदा है, और वो है एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा। बहुत खूबसूरत कलाम है, बेहद खूबसूरत कलाम है शहजाद अहमद शहजाद साहब का। ये भी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, लेकिन फिर वही है कि जब मंजर आम पे आए तो किस तरह आए। तो इसकी फरमाइश आपके पास आ रही है, लेकिन इसकी फरमाइश मैं आपसे कहूंगी कि आप सुना। अरे बाबा, ठीक है जी, तो शुक्र है ये गाना आपकी, ये गजल आता है मेरे को। तो ये किस राग पर है? तो ये राग है राग मियां मल्हार, और राग मियां मल्हार जो, इसको मियां मल्हार इसलिए कहते हैं क्योंकि मियां तानसेन इसको दरबार में गाते थे और कहते हैं कि इसके गाने से बरसात आती थी। तो हमारे यहाँ तो आजकल बरसात इंडिया में काफी जगहों पे ऑलरेडी आ चुकी है, तो चलिए उस बरसात का मजा हम यहाँ लेते हैं इस गजल के साथ। आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि अब आप जगह स्टेज पे संभालें, हम आपको वहां सुनेंगे। जी जी। तो हाजी मेहदी हसन साहब से पूछा गया कि उनके दौर के जो गुलकार थे उनमें से उन्हें कौन बहुत पसंद था, तो उन्होंने, खैर उनके जो हमसर उस ज़माने में गुलकार थे बहुत बड़े बड़े नाम थे सभी, तो उन्होंने कहा कि नूरजहाँ का अंदाज़ सबसे मुनफरद है, बहुत अलग है, यूनिक अंदाज़ है नूरजहाँ का। फरीदा खानम की आवाज़ में एक कन थी, मतलब उन्होंने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैंने इंटरव्यू उनका देखा था कि फरीदा खानम की आवाज़ में एक अलग सी कोई कन थी। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि इकबाल बानो साहिबा की जो आवाज़ थी वो भी बिल्कुल अलग क्वालिटी थी, जो भारीपन था, ठहराव था। तो मेहदी हसन साहब ने अपने सीनियर गुलकारों से सीखा बहुत, लेकिन सीखने की हद तक, उन्होंने एमुलेट करने की किसी को कोशिश नहीं की कि मैं उनके जैसा गाऊं। लेकिन हाँ, जैसा मैं अभी जोगी जी से कह रही थी कि मेहदी हसन साहब को देख के बहुत लोगों ने सीखा और आज तक जनरेशन उनको देख के सीख ही रही है। तो ओवर टू जोगी जी, आप प्लीज़ हमें नवाजें उस कलाम से जिसका अभी जिक्र हुआ था कि एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा।
बस तू ही नहीं, एक बस तू ही नहीं, मुझसे खफा हो बैठा। एक बस तू ही नहीं, मुझसे खफा हो बैठा। मैंने जो संग तराशा था, खुदा हो बैठा। एक बस तू ही नहीं, मुझसे खफा हो बैठा। के मंजिल ही मंजिल उठ के मंजिल ही अगर आए तो शायद कुछ हो। उठ के मन से ही अगर आए तो शायद कुछ हो। शौकी मंजिल तो मेरा भलापा हो बैठा। शौकी मंजिल तो मेरा अपला पाहो बैठा। एक बस तू ही नहीं, मुझसे खफा हो बैठा। मसलहत छीन ली कुव्वते गुफ्तार मगर, मसलहत छीन मसलहत छीन ली कुव्वते गुफ्तार मगर, कुछ न कहना ही मेरा मेरी खता हो बैठा। एक बस तू ही नहीं, मुझसे खफा हो बैठा।
शुक्रिया है मेरे, शुक्रिया है मेरे, शुक्रिया शुक्रिया ऐ मेरे कातिल, ऐ मसीहा मेरे, शुक्रिया ऐ मेरे कातिल, ऐ मसीहा मेरे, जहर जो तूने दिया था वो दवा हो बैठा, जहर जो तूने दिया था वो दवा हो बैठा, एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा, मैंने जो संग तराशा था खुदा हो बैठा, एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा, एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा, एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा। बहुत बहुत शुक्रिया जोगी जी, अब आप मेहरबानी करके अपनी इस गद्दी पे विराजमान हो जाएं ताकि हम आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू और करें और आगे बढ़ते हैं मंजीत साहब की तरफ। मंजीत साहब यहाँ पे पेश करेंगे एक बहुत खूबसूरत कलाम जो कि फरज शहजाद साहब का लिखा हुआ है, इसकी कॉम्पोजिशन मेहदी हसन साहब ने की थी और ये राग कोमल धायवत लालत पर बेस्ड है। आप लोग मेरी करेक्शन कर दीजिएगा अगर मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रही हूँ राग को। अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी कि जब मेहदी हसन साहब से पूछा गया कौन गुलूकार उन्हें पसंद थे, तो उन्होंने नूरजहाँ साहिबा के बारे में, मलिक आए तरन्नुम नूरजहाँ साहिबा के बारे में कहा था कि उनका अंदाज सबसे मुनफरद था। जब पहली बार नूरजहाँ का तारुफ हुआ मेहदी हसन साहब से, साहब से नहीं सिर्फ उनकी आवाज़ से जी। बड़ा दिलचस्प किस्सा है वो, हुआ ये था कि वो खाने के बाद रात में अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में कहीं ड्राइव पे जा रही थी और कहीं पान के ठेले से गुजरते हुए एक बहुत खूबसूरत कुछ उनके कानों में आवाज़ पड़ी किसी मेल सिंगर की कुछ गज़ल गाते हुए, तो उन्होंने गाड़ी घुमा के वो वापस आई कि वो वापस चलो उस ठेले पर, मुझे पता करना है ये कौन है और कहाँ से गा रहा है। तो खैर वो वापस उस ठेले तक पहुंची तो वो गज़ल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी और वहाँ पर पता चला कि रेडियो लाहौर पे शायद वो उस वक्त गाया करते थे और करियर की शुरुआत थी और कुछ उन्हें एक आध गज़लें गाने का मौका मिल जाया करता था रात के स्लॉट में या कभी, तो वो गज़ल बहुत मशहूर और मकबूल गज़ल है। कहीं हमें अपनी फहरिस्त के अलावा मौका हुआ तो कोशिश करेंगे कि उसे एडजस्ट कर पाएँ। देख तो दिल के जहाँ से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है, है ना, आहा वाली गजल है ये, बिल्कुल मतलब आहा उठ जाती है इस गजल का जिक्र होता है तो। आप देखिए यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा मैं कि नूरजहाँ जैसे आर्टिस्ट को अगर किसी आवाज ने पुकारा और इम्प्रेस किया तो कोई मामूली आदमी तो नहीं हो सकता। सही में मामूली नहीं हो सकता और नूरजहाँ जैसा आर्टिस्ट जो एस्टेब्लिश था उसको मतलब उनकी तारीफ करने में भी कोई अना नहीं आती थी। वो ये कहती हैं कि हमने तानसेन के बारे में सुना है, देखा नहीं है जी तानसेन को और ना तानसेन की आवाज़ सुनी है, लेकिन अगर तानसेन की आवाज़ होती तो शायद यही आवाज़ तानसेन की होती। तो मतलब आप देखें कि एक बड़ा फनकार सिर्फ अपनी कामयाबी से नहीं बनता, वो उससे भी बनता है कि वो दूसरे फनकारों को कितनी वैल्यू देता है और कितना अप्रिशिएट करता है और उनका बड़प्पन है। बड़प्पन है बिल्कुल। तो चलिए हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं क्योंकि मेहदी हसन साहब के बारे में बातें इतनी है कि नेवर एंडिंग बातें ही चलती रहेंगी हमारी। तो अगली दरख्वास्त मैं करना चाहूँगी मंजीत साहब से कि फरज शहजाद साहब का कलाम है ये और बहुत बुरा है फिर भी तुमसे अच्छा है, अगर आप अपनी बहुत पुख्ता बहुत खूबसूरत आवाज़ में हमें उस कलाम से नवाजें तो बहुत शुक्रिया आपका। मंजीत साहब
बहुत बुरा है मगर, बहुत बुरा है मगर, बहुत बुरा है मगर, फिर भी तुमसे अच्छा है, बहुत बुरा है मगर, ये दिल का दर्द दिल कत, ये दिल का दर्द के पल पल जो साथ रहता है, बहुत बुरा है मगर। शिकस्ता मैं लाख एक शिकस्ता, खंड सगी लेकिन खुशी हुई तू भी खंड रहता है, खुशी हुई है कि तू भी खंड में रहता है, ये दिल का दिल का दर्द के पल पल जो साथ रहता है, बहुत बुरा। में डूब न जाऊं, मैं इसमें डूब न जाऊं तो क्या मैं इसमें डूब न जाऊं तो क्या करूं आखिर, नशा शराब में तेरे बिसार जैसा है, नशा शराब में तेरे बिसार
जैसा है ये दिल का दर्द, दिल के पल पल के पल पल के पल पल जो साथ रहता है बहुत बुरा। सर्द हवा हौसला नवार, ऐ गम की सर्द हवा हवा हौसला नवार, हवा 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 गम की सैद हवा हौसला न हार, अभी गम की सर्द हवा हौसला न हार, अभी जरा सा सब्र के शहजाद भुजने वाला है, जरा के शहजाद भुजने वाला है ये दिल का दर्द, के पल पल के पल पल के पल पल जो साथ रहता है बहुत बुरा है, मगर ये दिल का दर्द के पल पल दर्द के पल पल के पल पल जो साथ रहता है बहुत बुरा है मगर। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी, बहुत मजा आ गया। और जितनी भी दफा ये गजल सुनते हैं इसका भी वही इफेक्ट है, मुझे लगता है उनकी सारी कॉम्पोजिशंस का ये इफेक्ट है कि आप जितनी दफा सुनिए हर दफा लगता है कि आप शायद पहली बार सुन रहे हैं वो जी। और उनके बारे में और एक चीज है मैं जो जिक्र करना चाहूंगा कि मेहदी हसन साहब रागों को इस तरह से हमेशा मेरे को एक हमेशा लगता है कि उन्होंने इस राग के बारे में कैसे सोचा कि इसमें यही वाला राग अच्छा लगेगा, और लगता है कि और कुछ तो इसमें फिट आएगा ही नहीं जैसे। और दूसरी बात यह है जो मेरी उस्तानी कहा करती थी कि बेटा खाने में उतना ही नमक स्वाद अनुसार, या चाय को उतना ही चीनी देना चाहिए जितना स्वाद अनुसार, तो वो अपना जो तालीम है कितना उसके लिए परफेक्ट होगा उतना देते, ये नहीं कि उसको ऐसे रागदारी में बैठ गए कि भूल गए हम और किसी गजल गा रहे भैया,
मतलब ये नहीं था कि उंडेल ने जितना ज्ञान है या जितनी नॉलेज है, वो रोक के चलते थे जिसे कहते ना, उसी वजह से शायद लुत्फ और उनकी हर क्रिएशन इतनी वेरिड और इतनी फ्रेश होती थी हर एक प्रीवियस क्रिएशन से। उन्होंने कहा भी है अपने इंटरव्यूज में कि क्या सोच के आप कंपोज करते हैं या कलाम उठाते हैं, कहने लगे एक तो शायरी, बड़ा छोटा शायर हो, कोई नाम हो, कुछ नहीं, और फिर मैं ये देखता हूँ कि कौन सा राग उस कलाम के साथ छू जाए। तो वो राग छूने वाली बात जो अभी आप कह रहे थे वही उनके साथ छू। तो हम आगे बढ़ते हैं राग खमच पे बेस्ड एक कॉम्पोजिशन जिसको के गाएंगी सुचंद्रा जी, और ये कलाम था हफीज जलंधरी का, हफीज होशियारपुरी का। हफीज जलंधरी भी बहुत अच्छे शायर हुए हैं, तो अमूमन इनके नामों में कन्फ्यूजन हो जाता है। हफीज होशियारपुरी साहब का कलाम है, और मैं बस एक लाइन कहूंगी और हमारे सब सुनने वाले देखने वाले कहेंगे आह क्या गजल लाए हैं आप लोग। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी दुनिया में, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे वाकई। लेकिन वो दुनिया से जाने के बाद भी हमारी महफिलों में आज तक मेहदी हसन साहब मौजूद हैं। तो सुचंद्रा जी से दरख्वास्त कि वो
इत्तफाक इत्तफाक अगर फुरकत के सदमे कम ना होंगे, तेरी फुरकत के सदमे कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल करने वाले तुम ना होगे, मोहब्बत करने वाले तुम ना होगे, मोहब्बत करने वाले तुम ना होगे। जोगी जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, एक बार फिर आपको जहमत दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपसे सिर्फ बातें करें और आप की गायकी ना सुने, कि आप स्टेज पे तशरीफ ले जाएं और हमें ये जो एक बड़ा अलग कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, ये है एक्चुअली ठुमरी, ट्रेडिशनल ठुमरी है, उमड़ घुमड़ घिरी आई, जो राग मिश्र देस पे है। और देस जो है इस राग देस, इस मौसम में यानी मॉनसून में, हमारे जो पूरे इंडिया पाकिस्तान में अभी मॉनसून छाया हुआ है, इस समय गाया जाते हैं। देस राग में झूला है, अलग अलग कॉम्पोजिशन है और ये मिश्र देस में है। और मैं सुचंदा जी को दरख्वास्त करूंगा, वो साथ में थोड़ा अगर गाए तो थोड़ा मजा आ जाएगा, उसके साथ मजा दोबाला हो जाएगा जैसे कहा जाए। जी जी जरूर सुचंदा जी, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप जोगी जी का साथ देंगी इस अगली प्रेजेंटेशन में। तो जोगी जी, आप वहाँ पे तशरीफ ले जाएं। तो हाजरीन, जैसा कि जिक्र हो रहा है मेहदी हसन साहब की गायकी के बारे में, तो हम मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गज़ल पे ही फोकस करें और उनकी गायकी के और जो अलग पहलू हैं उनको नज़रअंदाज करने की जुर्रत भी करें, क्योंकि वो किया नहीं जा सकता। अब जैसे जोगी जी आपके सामने पेश करने वाले हैं वो ठुमरी है, और अभी आपने जो उनकी मेहदी हसन साहब की कंपोज की हुई गज़लें सुनी, तो वो देखिए कि क्या उनका कंपोजिशन था, और ये देखिए कि क्या इस चीज़ का कंपोजिशन है। बदरा
सजनी बदरा बदरा रे उमड़
सिकदार। बदरा
आगे बढ़ते हैं जोगी जी और फिर गजल की तरफ आते हैं, क्योंकि गजल एनी टाइम इज एवरीबडीज फेवरेट, मतलब अगर देखा जाए और जो सुकून मिलता है रूह तक जो तर हो जाता है इंसान, वो गजल के जरिए शायद ज़्यादा होता है। तो ये भी मेहदी हसन साहब का एक शाहकार माना जाता है, अगला कलाम जो मेरी फहरिस्त में है। और मेरे ख्याल से जितने भी हमारे लोग हाजिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप उनका दिल टटोलेंगे या अपनी प्ले फरमाइशें देखेंगे जो कि आ रही है, लाजिम है कि ये गजल हो इसमें। तो बहुत मशहूर गजल, और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें दो अशआर ऐसे हैं जो कि इस गजल के नहीं हैं, लेकिन मेहदी हसन साहब ने उन्हें इस तरह से कंपोज किया है कि वो लगता ही नहीं है कि इस गजल के नहीं है। मैं बात कर रही हूँ अहमद फराज की लिखी हुई बहुत खूबसूरत गजल की। यहाँ पे मैं ये एक शेर पढ़ूंगी, आप समझ जाएंगे कि किस गजल की बात हो रही है। हालांकि ये शेर अहमद फराज साहब का लिखा हुआ नहीं है, एक दूसरे शायर थे मेरे ख्याल से तलब बागपति साहब, उनके ये दो शेर हैं जो मेहदी हसन साहब ने इस गजल में लिए हैं, तालिब बागपति साहब। तो गजल कुछ यूं है, जैसे तुझे आते हैं ना आने के बहाने। आप सभी समझ गए होंगे कि इस गजल की तरफ हम लोग रुख कर रहे हैं। जैसे तुझे आते हैं ना आने के बहाने, वैसे ही किसी रोज न जाने के लिए आ। है ना बहुत खूबसूरत। माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, चुपके से किसी रोज जताने के लिए आ। तो ये हमारी लिस्ट में भी था, और मैंने आपको पहले से नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगता था किसी की फरमाइश आएगी तो मैं आप में से किसी से दरख्वास्त करूंगी प्लीज थोड़ा सा सुना दें। तो मैं अगर आपकी इजाजत हो तो सुचंद्रा जी को फिर से जहमत दूं। जी 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 जी। तो सुचंद्रा जी, आप अगर दो शेर उसमें से गाए बहुत अच्छा लगेगा जी। बहुत
फिर भी कभी तो पहले से मरा पहले से पहले से मरा सुना सही फिर भी कभी तो पहले से मरा सुना सही चप्पे चप्पे पे छाए गए, तो यहाँ कस्टम्स से उन्हें रोका गया। जब उनका पासपोर्ट देखा, नाम देखा अहमद फराज, तो उनसे कहा गया कि अच्छा आप रंजिशी सही वाले अहमद फराज हैं। उसके बाद ये वाकई हकीकत है, ये अहमद फराज ने खुद अपने किसी इंटरव्यू में बताया। तो जब दुबई एयरपोर्ट पे उनका देखा कि अच्छा ये अहमद फराज है, अच्छा आप वो वाले अहमद फराज हैं, तो जाहिर सी बात है कि कलाम उतना मकबूल नहीं हुआ था जब तक उसे कंपोज करके गाया नहीं गया। तो अहमद फराज साहब कस्टम एक्सेस बैगेज ड्यूटी से बच गए क्योंकि मेहदी हसन साहब ने उनकी ये गज़ल इतनी मकबूल कर दी थी। तो बहुत बहुत सारे किस्से ऐसे हैं अलग अलग कलाम के साथ मेहदी हसन साहब के जो बहुत दिलचस्प हैं। अब आप देखिए कि एक ये रंग है शायर का जहाँ वो इल्तजा कर रहा है कि रंजिशी सही दिली दुखाने के लिए, और क्या है उसमें कि ऐ राहत जहाँ मुझको रुलाने के लिए, मतलब कितना गिड़गिड़ा के मासूमियत से। और दूसरी तरफ वही शायर अहमद फराज अपने महबूब को कहता तो है क्या, लेकिन आप अना देखिए। मैं एक बहुत छोटी सी नज़्म है अहमद फराज साहब की, सिर्फ एक वेरिएशन ऑफ थॉट्स एक शायर के जो होते हैं वो दिखाने के लिए पेश करना चाहूँगी। इस नज़्म का उन्वान है वापसी। उसने कहा सुन, अहद निभाने की खातिर मत आना, अहद निभाने वाले अक्सर मजबूरी या महजूरी की थकन से लौटा करते हैं। तुम जाओ, जिन आंखों में रहो, जिस दिल में उतरो, मेरी तलब आवाज ना देगी। तुम जाओ, दरिया दरिया प्यास बुझाओ, लेकिन जब मेरी चाहत और मेरी ख्वाहिश की लौ इतनी तेज और इतनी ऊंची हो जाए, जब दिल रो दे तब लौट आना। ये देखें आप शायर का कलाम और एक्सट्रीमिटीज देखें उसके उसमें। तो खैर, एक और तारीखी गजल की तरफ हम रुख करेंगे जो कि फिर से एक ऐसे शायर ने लिखा है कि जिसको अगर उर्दू शायरी में से हटा दिया जाए तो लगेगा कि आधी हो गई उर्दू शायरी की दुनिया। फैज़ अहमद फैज़ साहब। तो फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम लेके मंजीत जी मैं आपसे गुजारिश करूंगी, आप फिर अपनी आवाज़ में हमें सुनाएं। और ये कलाम है गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले।
और ये राग झंझोटी पर है, और इसकी कुछ खासियत है इस राग की? देखिए, मैं रिसेंटली मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है इस गज़ल के साथ। एक मेरे ख्याल से 2 साल पहले एक फिल्म आई थी हैदर, 2 से ज़्यादा जी जी, उस पे विशाल भारद्वाज जी ने ये गाने को, गज़ल को यूज़ किया है जी। और आपसे बात करते हुए रोंटे खड़े हो रहे, मतलब ऐसा उसके जो लफ्ज है, मतलब पता नहीं, आई एम लॉस ऑफ वर्ड्स तो जो बोलूं, कि जैसे कहते हैं ना, कुछ है जैसे वो अंदर उतर जाती है आपको, वो सुनने के बाद जैसे लगता है कि बात नहीं करते किसी से, वो ऐसे गजल या ऐसे कॉम्पोजिशन है। नहीं, वाकई में आप सही कह रहे हैं, खासतौर से इसका वो शेर, कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले, मतलब मायूसी आप देखें इसमें। तो चले हम आगे बढ़ते हैं मंजीत जी की तरफ और सुनते हैं गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले। गुलों में रंग भरे बादलो बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलो बहार चले, चले भियाओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले, कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले, चले बियाओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। जो हम पे गुजरी जो हम पे गुजरी जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा
हमारे अश्क तेरे आकबत सवार चले, हमारे अश्क तेरे आकबत सवार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, जुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। मकान फैज़ कोई, मकान फैज़ कोई मकान फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुवेदार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, चले बियाओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग गुलों में रंग गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। बहुत ही खूबसूरत मंजीत साहब एक बार फिर से, और साथ साथ में जो हमारे सारे माशाल्लाह म्यूजिशियंस हैं वो जिस तरह निभाते हैं हर कॉम्पोजिशन को, वो भी काबिले दाद है कि अगर, क्योंकि ये एक बैलेंस होता है आवाज़ का, सुरों का, गायकी का और साजंदों का, तो मतलब लुत्फ जो है वो मल्टीफोल्ड बढ़ जाता है आपके आपकी हर बैठक में। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, हमको देख रहे हैं ऑनलाइन और सुन रहे हैं भी खूबसूरत गज़लें, उन सबसे दरख्वास्त है कि अपना फीडबैक भेजते रहिए। जी मैं देख रहा था आलोक जी के काफी सारे फीडबैक आ रहे हैं। आलोक जी मिस कर रहे होंगे बेचारों के, कब एक्चुअल बैटिंग शुरू हो और वो यहाँ मौजूद हो, बहुत लोग मिस कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले अहमद फराज का किस्सा दुबई कस्टम्स का बताया, इसी तरह ये गुलों में रंग भरेगा फैज़ अहमद फैज़ साहब का किस्सा है। तो हर गज़ल मेरे सेंस आपकी हो गई थी, जैसे हर गाना हमारे यहाँ मोहम्मद रफ़ी का हो गया, कोई नहीं जानता शकील बदायूं ने लिखा है, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा, आनंद बख्शी ने लिखा है, सभी जानते हैं मोहम्मद रफ़ी वाला गाना। तो फैज़ अहमद फैज़ एक मुशायरे में गए तो पढ़ रहे थे, उनसे फरमाइश आती ऑडियंस में से कि अरे भाई ज़रा वो मेहदी हसन वाली गुलों में रंग भरे तो सुना दीजिए। तो उसके बाद से वो जिस मुशायरे में जाते थे वो कहते हैं मैं जाता था, अब मुझसे फरमाइश होती थी तो मैं खुद पहले कह देता था अच्छा भाई अब मैं मेहदी हसन वाली गुलों में रंग भरे सुनाता हूँ। बहरहाल हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं अपना, कि गायकी अगर हम देखें तो
उसमें जब तक आप जज्बात ना उड़ेल दे अपने, सिर्फ आप हलक से नहीं गा सकते, जब तक आप दिल से ना गाएं तो सुनने वाले की रूह तक शायद नहीं पहुंचता। और यही वजह है कि जो ये उस्ताद हुए, मेहदी हसन साहब, नूरजहाँ हुई, गुलाम अली, फरीदा खानम साहिबा, इकबाल बानो, जगजीत सिंह जी, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने जो है दिल से गाया और इस तरह गाया कि हमारी रूहों में उतरता चला गया। और न सिर्फ उनकी आवाज़ें बल्कि उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उर्दू अदब को लोगों तक, घर घर तक पहुँचाने में। अगर आज हम और आप ये बैठक कर रहे हैं और हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं मेहदी हसन साहब को सुनने के लिए, तो वो सब वो गज़लें सुन रहे हैं जो शायद कई लाइब्रेरीज में होती कि नहीं, घरों की शेल्व्स में होती और लोगों तक ना पहुंच पाती अगर ये फ़नकार हमारे साथ ना होते। तो एक ऐसा एहसान इन सभी का है, चाहे वो सबसे आप तानसेन कह लें या आज तक के गुलकार कह लें, कि हम लोगों को जो फेमिलियर कराया लिरिक्स से और कलाम से, वो इन सब गुलकारों ने कराया। तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारी ये फेवरेट है, हमारी ये फेवरेट है, हमारी ये फेवरेट है। जब मेहदी हसन साहब से किसी ने पूछा उनकी फेवरेट, आपको पता उन्होंने कौन सी गजलें बताई? नहीं पता होगा आपको? नहीं पता है। एक तो वो ये जिसपे अभी आपने कहा था, आह देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। फिर है जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, फिर गुलों में रंग भरे, जो भी हमने सुना मंजी जी की आवाज़ में इतना खूबसूरत कलाम, और तूने ये फूल जो जुल्फों में छुपा रखा है, और मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, और ये सब वो कलाम है जो किसी ना किसी की फरमाइश के तौर पे हमारे पास आ जाता है। तो सिर्फ उन्होंने उर्दू गज़लें नहीं गाई, उन्होंने बंगाली में भी गाया है, पश्तो में भी गाया है। अच्छा, ये नहीं पता था मेरे को। उन्होंने क्योंकि फिल्मों के लिए गाया जी, तो उन्होंने बंगाली पश्तो में भी गाया, और 20,000 से ज़्यादा रिकॉर्डेड उनके नगमे हैं। बहुत मेहनत की गुलाम इन्होंने अपने उस्ताद मेहदी हसन साहब ने, ऐसा नहीं है कि वो कलावंत खानदान के थे। 8 साल की उम्र में उन्होंने राजा के दरबार में परफॉर्म पहली बार किया था। पार्टीशन के कई साल बाद वो जब गए तो उस हमाहमी में किसको म्यूज़िक का वो था, आपको पता, उन्होंने साइकिल पंक्चर की दुकान खोली, कितने कितने मेहनत के काम किए। हम लोग आज उनको देखते हैं, अरे वो ऐसे सिंगर थे, वहाँ पहुँच गए होंगे, लेकिन मशक्क़त उसके पीछे कितनी थी, कितना दर्द तकलीफें उन्होंने उठाई। तो शायद वही दर्द उतर गया उनके अंदर, तासीर जिसे कहते हैं ना, जैसे बेगम अख्तर की ज़िंदगी में हुआ, जब वो उस दर्द से गुजरी तो उनकी आवाज़ की तासीर पलट चुकी थी। इसी तरह मेहदी हसन साहब के साथ भी हुआ। और इत्तफाक और हैरान करने वाली बात यह है कि इनको उर्दू नहीं आती थी, उर्दू इन्होंने पढ़ी नहीं थी, इनकी तालीम हिंदी और संस्कृत में हुई थी, उर्दू इन्होंने सीखी अपने बड़े भाई से। तो कहते हैं कि मेरी जो तालीम हुई है उर्दू में और अल्फाज की अदायगी में या उन अल्फाज के पीछे छिपे हुए मायने को समझने में, वो मेरे बड़े भाई और जिनको वो अपना उस्ताद मानते थे, और जो जिस तरह के एलीट सर्कल में मेरा उठना बैठना उनकी वजह से होता था, वहाँ से मैंने सीखा। तो बहरहाल उनके 20,000 से ज़्यादा रिकॉर्डेड गाने हैं, और उन गानों के अलावा जो उनकी धरोहर चल रही है वो आज की महफिलों की तरह चल रही है और चलती रहेगी। तो अब हम ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जी, दिल तो नहीं भर रहा है? नहीं, देखिए हमारी तरफ से प्रॉमिस ये है कि हम कोशिश करेंगे 90 मिनट्स में प्रोग्राम को बांध के रखने का। आपकी मजबूरी है, मेरा नहीं दिल कर रहा, मान रहा है, इन सब कभी नहीं मान रहा होगा। और अभी तो ये लग रहा है कि वो लोग और गाते रहे और हम वाकई में सुनते रहे, लेकिन जी उन 90 मिनट का वादा है, तो कोशिश की जाए कि वादे को निभाएं। तो आगे बढ़ते हैं हम एक बेहद खूबसूरत कलाम के साथ, जो एक बार फिर अहमद फराज का है, और जो राग प्रतीक्षा या भूपेश्वर, भूपेश्वरी, भूपेश्वरी, तो ये नाम अलग क्यों है एक राग के दो? मेरे को डिटेल्स तो उतना पता नहीं है, लेकिन जितना मेरे को कहीं पे पढ़ा था कि राग भूपेश्वरी जो है उसको सुनते हैं तो जैसे लगता है कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ओ अच्छा, समबडी इज वेटिंग। सो उसका जो एक एक टेल अगर बोले, अच्छा, कि खत्म नहीं हो रही, एक एक कंटीन्यूअस आस जी, आस लगी हुई है जी, जी। तो मेरे ख्याल से उन्होंने शायद फिर ये कलाम इसीलिए उस राग पे लिया होगा। जिस गजल का मैं जिक्र कर रही हूँ वो है, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। तो ये हम सुनेंगे शुभजीत जी की आवाज़ में एक बार फिर, और इसके बाद आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन हम आपसे ख्वाबों में नहीं मिलेंगे, हम आपसे यहीं मल्हार की अगली बैठक में मिलेंगे।
शुभजीत जी कोर्ट में। अब के हम बिछड़े 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 अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े जिस तरह सूखे हुए जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े ढूंढे उजड़े हुए ढूंढे हुए ढूंढे उजड़े हुए लोगों में ढूंढे उजड़े लोगों में वफा के मोती। दोनों इंसान है तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े है ना मेरा तू खुदा है ना मेरा हो खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा।
ये खजाने तुझे मुमकिन है खराब होने मिले, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराब होने मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े, अब के हम बिछड़े, अब के हम बिछड़े। महफिल का इख्तिताम किया जाए क्योंकि मैं खुद ही बहुत लालची हो रही थी कि और सुनूं, लेकिन क्योंकि जैसे साहिल लुधियानवी ने कहा कि वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज, तो बहरहाल वक्त का राज यहाँ पर भी है। हम इख्तिताम करेंगे, हमारे जो गुलजार साहब हैं जी, वो बहुत बड़े फ़ैन मेहदी हसन साहब के हैं, तो उन्होंने एक नज़्म लिखी थी, अगर मतलब आपने सुनी होगी तो वो अगर वक्त इजाज़त दे तो मैं सुना दूँ, क्योंकि यहाँ पे हम मजबूर हैं वक्त के हाथों, लेकिन गुलजार साहब ने इस नज़्म में वक्त की मजबूरी, वीज़ा की मजबूरी, सरहदों की मजबूरी, सबको जो है बिल्कुल बरतरफ कर दिया है। गुलजार साहब कहते हैं कि आँखों को वीज़ा नहीं लगता, आँखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद नहीं होती, बंद आँखों से रोज़ मैं सरहद पार चला जाता हूँ मिलने मेहदी हसन से। सुनता हूँ उनकी आवाज़ को चोट लगी है और गजल खामोश है सामने बैठी हुई, कांप रहे हैं होंठ गजल के, फिर भी उन आंखों का लहजा बदला नहीं। जब कहते हैं सूख गए हैं फूल किताबों में, यार फराज भी बिछड़ गए हैं, शायद मिले वो ख्वाबों में, बंद आंखों से अक्सर सरहद पार चला जाता हूं मैं। आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद नहीं होती। इसी तरह ऐसे जो फनकार, गुलकार, पोएट्स, अदीब हुए हैं, उनकी भी कोई सरहद नहीं होती, वो पूरी दुनिया के होते हैं और पूरी दुनिया उनकी होती है। तो मल्हार की तरफ से मैं आपसे इजाज़त लूँगी आज की इस खिराज अकीदत की जो महफिल हमने सजाई थी मेहदी हसन साहब के लिए उससे, और आपसे ये वादा करते हैं हम लोग कि बहुत जल्दी फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक बहुत खूबसूरत महफिल लेके। जोगी जी तफसीलात आप बताएंगे या मैं राज फाश कर दूं? जी आप ही बताइए। तो अगली जो हमारी महफिल होगी वो ख़ास सूफीज़ पे होगी, एक पहले भी महफिल हो चुकी है लेकिन ये ख़ास सूफीज़ पे या तसव्वुफ़ पे महफिल जो होगी वो उस शख्स को ट्रिब्यूट होगा जिससे कि हम सब वाकिफ हुए सूफियाना ख्यालात से। तो मल्हार की टीम एक स्पेशल क्यूरेटेड शाम आपके सामने लेके हाजिर होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ अमीर खुसरो को ट्रिब्यूट होगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि तफसीलात के लिए और फीडबैक के लिए आप रابطہ करें मल्हार से, और ये हम जुलाई के ईद वाले वीकेंड पे हम लोग रख रहे हैं 31 जुलाई जो जुमा पड़ेगा, फ्राइडे जो पड़ेगा उसमें हम लोग रखेंगे, और हम ईद मनाएंगे और साथ में हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे तसव्वुफ़ का, जिसको हम कह सकते हैं चिराग अमीर खुसरो साहब को। तो ओवर टू जोगी जी, अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें और हमारे साथ जो सब जुड़े हुए थे उनका और तमाम टीम का शुक्रिया अदा करना चाहें तो आप जहमत दूंगी मैं। शुक्रिया तरन्नुम साहिबा। मल्हार की जो ये बैठक है इसमें चार चांद लग जाते हैं आपके आने से, और हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। तो आज के महफिल ख़त्म हो गए हैं, और मैं दोबारा आज के फ़नकारों से आपके तारुफ़ कराना चाहूँगा। तबले पे रहे हैं श्री अरिंदम चक्रवर्ती जी, कीबोर्ड पे है अभिजीत जी, गायन पे मंजीत सिंह जी, शुभजीत और सुचंद्रा जी, साउंड पे दीपश्री गाडगिल। आज के साउंड को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके लिए जो साहब के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। कैमरा पे है गंधाली, टेक्निकल सपोर्ट पे रहे हैं गिफ्टी साहनी जी, प्रोडक्शन इंचार्ज अगिश्मा और समीक्षा, प्रोडक्शन सपोर्ट पे है कालिदास,
और हमारे ये प्रोग्राम जो है या मल्हार के जो हम पिलर कहते हैं, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कृति शाह और चैताली सरकार जी का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट तरुणम साहिबा आपके, सच में ये हमारी ये जो स्पेशली क्यूरेटेड बैठक है ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है आपके बिना। तो हमारे अगले जो बैठक है, जैसे उन्होंने बताया, रूहे खुसरो, और वो ईद वीकेंड में ईद स्पेशल रहेगा, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। और जो भी आपकी फीडबैक है आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शुक्रिया, नमस्कार।